वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। आज हम बनाएंगे आलू की बहुत ही मज़ेदार सब्जी, जिसे आप कभी भी खा सकते हैं। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने 4 से 5 आलू लिए हैं, जिसके हमने मीडियम साइज़ के टुकड़े कर दिए हैं। साथ में एक हरी मिर्च ली है, एक टमाटर, 5-6 कड़ी पत्ता के पान लिए हैं, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच नमक। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे जीरा, कड़ी पत्ता के पान। जीरा को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, बाद में इसमें डालेंगे मिर्ची। हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, जिससे इसमें तीखापन आ जाएगा। जीरा और मिर्ची थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें आलू डाल देंगे। नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और 5 मिनट के लिए इसे मीडियम गैस पर पकने देंगे, क्योंकि ये कच्चे आलू की सब्जी है और ये बनने में थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे नॉर्मली तो सब लोग आलू को उबालकर ही ये सब्जी बनाते हैं, लेकिन एक बार कच्चे आलू की सब्जी बनाकर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। क्योंकि जब हम आलू को उबालते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमारे आलू थोड़े से पक चुके हैं, अब इसमें टमाटर डाल देंगे और फिर से इसे 2 से 3 मिनट तक गैस पर रहने देंगे, जिससे हमारे आलू और टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। तो 3 मिनट हो गए हैं, चलिए देख ले आलू और टमाटर को एक बार मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें हल्दी या लाल मिर्च पाउडर कुछ नहीं डाला है, क्योंकि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। और अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और चीनी भी डाल सकते हैं। हमारे आलू तो अच्छी तरह से पक गए हैं। तो देखा आपने, सिर्फ 7 से 8 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है आलू की सब्जी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।